प्रतापगढ़ के धरियावत से खबर है। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला, पति सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागते हुए पति सहित तीन आरोपी जख्मी हो गए। तीनों को लाया गया प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल। पुलिस की निगरानी में जारी है तीनों का उपचार। देर रात पुलिस की टीमों ने दबिश दी थी। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में कार्रवाई भी जारी है। धरियावत उपखंड के निकला कोटा गांव का मामला, महिला को निर्वस्त कर घुमाया गया था गांव में। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस आई है और हम लगातार आपको इस मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बेहद शर्मनाक करने वाली, कलंकित समाज को करने वाली घटना। प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसी घटना, मणिपुर में भी दो माह पहले इस तरह दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया था और मामले ने तूल पकड़ा था। देश भर में महिलाओं का, पूरे समाज का गुस्सा फूटा था। हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, जानकारी दीजिएगा, तीन लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों के बारे में क्या जानकारी, कब तक उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है? इस मामले में बता दूं कि एसपी अमित कुमार के निर्देशन में देर रात से ही पुलिस टीमें गांव के विभिन्न इलाकों में दबिश दे रही थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी। यहां भागते हुए रात को जो इस महिला का पति है कान्या और उसके जो दो साथी थे इस मामले में लिप्त, वो घायल हो गए, जिनको पुलिस पहले धरियावद लेके आई और उसके बाद प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में उनको रेफर किया गया है। एसपी अमित कुमार ने इसके लिए 12 टीमें गठित की है। साथ ही धरियावद थाने में पूर्व में जो तैनात पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी थे, जो इस इलाके से पूरी तरह से वाकिफ है, उनको यहां पर बुलाया गया है और उनकी स्पेशल ड्यूटी इस केस के लिए लगाई गई है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चिका, इस मामले में बता दूं कि ये जो मामला है इसमें एक और खुलासा हुआ है कि यह आदिवासी महिला थी, यह गर्भवती थी और इस दौरान इसके साथ इस प्रकार की हरकत की गई। पति और गांव के लोगों ने मिलकर ये काम किया है तो पुलिस इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और फिलहाल इनके खिलाफ पीड़िता की ओर से महिलाओं के अशिष्ट प्रतिरूपण और जो आईटी एक्ट है सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दिनेश एनएम भी कुछ ही समय बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए भी अपना पूरा जो तामझाम है, 7 थानों की जो पुलिस है, पुलिस अधिकारी है, वो इस मामले में जुटे हुए हैं। साथ ही इन आरोपियों के जो मोबाइल है जिनसे इन्होंने वीडियो वगैरह बनाए थे और वायरल किए थे, उसको लेकर भी पुलिस उनकी बरामदगी का प्रयास कर रही है ताकि ये वीडियो और किसी जगह सर्कुलेट नहीं हो और जो ये घटना है निंदनीय है, शर्मनाक है, इस तरह के वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए। पुलिस द्वारा इस प्रकार की अपील भी की जा रही है। एसपी अमित कुमार रात भर धरियावद में कैंप किए हुए थे, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी वहीं पर मौजूद थे। साथ ही पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं कि भीड़ में और जो लोग थे उनको भी चिन्हित किया जाए, गांव के लोगों से पूछताछ की जाए। साथ ही जो पीड़ित महिला है और उसकी माँ है उनको भी पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो। सीखा संजय, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब खुलासे तो लगातार इस मामले में हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की 6 टीमों का गठन कर दिया गया है। संजय, बताया तो ये भी जा रहा है कि महिला को, अब महिला चूंकि गर्भवती भी थी और इसलिए ज़्यादा शर्मसार ये घटना, महिला को 1 किलोमीटर तक, संजय, नदी तक घुमाया गया था। इसको लेकर के आपके पास क्या सूचना है? 1 किलोमीटर तक के दायरे में क्या कोई भी आगे नहीं आया महिला की मदद करने के लिए? सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि इस मामले में लगभग पूरा गांव, इसमें क्या है, पहाड़ा ग्राम पंचायत का ये मामला है और उसमें एक गांव है निचला कोटा, यहाँ पर इस व्यक्ति ने, जो महिला का पति है, ये लगभग 15-20 साल भर पहले इसका विवाह हुआ और 8 महीने की गर्भवती थी और यह दूसरे के यहाँ नाते चली गई। आदिवासी समाज में यहाँ पर ये नाते जाने की परंपरा है, लेकिन 8 महीने की गर्भवती होने के कारण इससे इसके पति और गांव वालों को काफी नाराजगी थी। जब ये पति उस महिला को लेने, अपनी पत्नी को लेने वहां गया तो गांव के बहुत से लोग इसके साथ गए थे। जब ये अपने गांव निचला कोटा लेकर आया तो वहां पर इनकी जो सामाजिक कहे या रीतियां कहे उस अनुसार जो है महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन
इस मामले में आगे बढ़कर इस तरह का घिनौना कृत्य किया गया पति, और उसमें वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दो युवक और उसके साथ में है, लेकिन जब महिला को निर्वस्त्र कर उसका पति ले जा रहा है, एक किलोमीटर तक घुमाया गया, वहां पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद है और बालिकाएं भी छोटी छोटी मौजूद है, लेकिन किसी ने भी गाँव के लोगों ने प्रतिकार करना तो दूर, उस मामले में वीडियो बनाने का काम किया और वहां जो नेटवर्क नहीं आता था, हालांकि उसके कारण ये वीडियो दूसरे दिन सर्कुलेट हुए और पुलिस की जानकारी और प्रशासन की जानकारी में यह बात आई, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर रेंज IG S परिमाला क्या कुछ कह रही है, सुनिए। प्रतापगढ़ जिला में दरियावर तहसील में बहाड़ा गांव में एक महिला का, प्रेग्नेंट महिला को नंगा से परेड करने का हमको सूचना मिला है, वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तुरंत हमने 12 टीम गठित करके SP प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है, फिर इसमें 3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है, वो तीनों अभी अस्पताल में है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं, जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल है सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरफ तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे, वो महिला को सख्त कार्रवाई हो जाएंगे पुलिस का तरफ से। इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार किया गया? अभी तो 3 है, वो गिरफ्तार नहीं किया है, वो ट्रीटमेंट में है, एक बार ट्रीटमेंट के बाद हम गिरफ्तार करेंगे। जो आरोपी वो पुलिस कब्जे में आ गए? वो पुलिस कब्जे में, मतलब पुलिस कब्जे में आगे आए, अभी वो हॉस्पिटल में ही है, वो भागने की कोशिश किया उसमें उनको चोट लग गई, इसलिए हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट में है, एक बार डॉक्टर के बाद हम डिस्कस करने के बाद उनको अभी आगे का कार्रवाई शुरू करें। मैडम FIR में कुल कितने नाम है? FIR में 10 और अन्य है, नामजद का 10 है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम पकड़ेंगे सबको।